अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए मैकडोनल्ड के नगेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। जो मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल मैकडोनल्ड के ही नगेट्स बनेंगे। इस रेसिपी को आप आखिर तक देखिएगा। तो चलें बनाते हैं मैकडोनल्ड्स के नगेट्स। ये हमारे नगेट्स फ्राई हो गए, इसको देखिए इसका टेक्स्चर कितना अच्छा आ रहा है। ये बहुत गर्म हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल जूसी हुई है और इसका टेक्स्चर देखें। ये देखें कितना जूसी है बिल्कुल, और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बिल्कुल मैकडोनल्ड्स के चिकन नगेट्स की तरह होंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं बना रही हूँ जिस तरह मैकडोनल्ड वाले बनाते हैं। ये मैंने 1.25 किलो के करीब की मुर्गी ली है, उसको बोनलेस करवा लिया है। ये थाई पीसेज हैं, ये चेस्ट पीस हैं और ये उसके स्किन है। स्किन को मैंने अलग करवा लिया पहले और फिर उसके बाद उसके बोनलेस करवा के उसको मैंने बनवा लिया। अब ये स्किन को मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, ताकि ये अच्छी तरह से पिस जाए, इसलिए हम पहले स्किन को पीसेंगे। स्किन के साथ पीसने से जब ये हमारा ग्राइंडर चलेगा तो ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर हमारा अच्छी तरह से पीस नहीं पाएगा। अब इसके साथ हम एक बर्फ़ का टुकड़ा भी डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह से हमारा पीस जाए। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से हमारा ये पेस्ट बन गया है, बिल्कुल इस तरह इसका पेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पीसा हुआ होना चाहिए, अच्छी तरह से ही बन जाएगा अगर आप इसको बर्फ़ में रख के बनाएंगे। अगर आप इसको स्किन को फ्रीज कर दें और थोड़ा सा बर्फ़ का टुकड़ा डाल दें तो ये बहुत आसानी से पेस्ट बन जाता है इसका, और बहुत अच्छा सा टेक्स्चर आ जाता है इसमें। अब इसके साथ हम थोड़ा सा इसके अंदर चेस्ट पीस डालेंगे और थोड़ा सा लेग पीस डालेंगे, इसको साथ मिला के पीस लेंगे। ये हमारा इस तरह का टेक्स्चर आ गया है इसका। इसे हम निकाल लेंगे बर्तन में। अब इसी तरह हम बाकी सारे भी पीस लेंगे। इसे भी हम पीस लेंगे। ये देखें ये सारा मैंने पीस लिया, ये इस तरह का टेक्स्चर आ गया इसका, ये बिल्कुल स्टिकी सा हो रहा है। इसके अंदर अब मसाले डालेंगे। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, आधी चम्मची से थोड़ा सा ज़्यादा। आप सॉल्ट अपने हिसाब से भी टेस्ट करके डाल सकते हैं। आधी चम्मची काली मिर्च पाउडर है, आधी चम्मची वाइट मिर्च है, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर डाल ली, 1 टीस्पून से थोड़ा कम जो है लहसुन पाउडर डाल ली, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम पेपरिका पाउडर है, 1/4 टीस्पून चीनी है, शक्कर है, 1/4 टीस्पून मैंने शुगर डाली है। अब इन सबको डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसको बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, बिल्कुल जैसे आटे को हम गूंथते हैं उसकी डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इसको गूंदना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हमें इसे गूंदना है ताकि इसका स्टिक अच्छी तरह से स्टिकी हो जाइए। इसके अंदर मसाले भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और ये बिल्कुल स्टिकी हो जाएगा हमारा। दस से 12 मिनट हो गए मुझे इसको करते हुए, ये देखें कितना स्टिकी हो चुका है ये, और मसाले भी इसके बिल्कुल अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। इसको मैंने 10 से 12 मिनट इसको आटे की तरह गूंदा है बिल्कुल। अब इसके हम नगेट्स बना लेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा है इसलिए हम हाथ में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, थोड़ा सा बैटर लेंगे हाथ में, इसकी बॉल बनाएंगे। अब इसको आप अपने शेप के हिसाब से इसको अपना शेप दे लें। मैं ये सारे बना लूँगी
फिर उसके बाद मैं इन सबको एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, उसके बाद मैं इसके कोटिंग करूँगी। अब मैं इसका ड्राई बैटर बना रही हूँ। आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, आधा कप मैदा है, आधा कप ब्रेड क्रम्स है, तीनों चीज़ मैंने बराबर मकदार में लिए। क्वार्टर चमची बेकिंग सोडा है, क्वार्टर चमची पेपरिका पाउडर है, क्वार्टर चमची काली मिर्च पाउडर है, क्वार्टर चमची वाइट मिर्च पाउडर है, क्वार्टर चमची नमक है। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ड्राई बैटर अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब लिक्विड बैटर बना लेते हैं। उसके लिए मुझे एक अंडा चाहिए। मैंने एक अंडा लिया है, इसको हम बीट कर लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा दूध डालेंगे। मैंने क्वार्टर कप दूध लिया है, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारा लिक्विड बैटर तैयार हो गया है। ये सारे नगेट्स हैं, इनको मैंने बना के एक घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं फ्रीज़र से निकाल लिए, अब इसे हम कोटिंग करेंगे। पहले हम ड्राई बैटर में डालेंगे, फिर लिक्विड बैटर में। फिर दोबारा से ड्राई बैटर में। इसको एक घंटा फ्रीज़र में रखने से ये हुआ कि इसकी शेप हमारी ख़राब नहीं हो रही और आसानी से यह हमारा कोट हो रहा है। पहले ड्राई बैटर में कोट करेंगे, फिर लिक्विड बैटर में डालेंगे। अच्छी तरह से इसका लिक्विड जो बैटर निकाल देंगे, फिर इसके बाद दोबारा से ड्राई बैटर में डालेंगे। मैं इसी तरह सब पे कोटिंग कर लूँगी और फिर उसके बाद इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये कोटिंग इसकी अच्छी तरह से सेट हो जाए। मैंने आधा घंटा इसे फ्रिज में रख दिया था, अब इसकी कोटिंग बिल्कुल सेट हो गई है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसके अंदर हम डालेंगे इसे। इसे हमें पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, पर इसे मैं 2 से 3 मिनट पका के और इसको निकाल लूँगी। तो इस कंडीशन में मैं इसे निकाल लूँगी। ये बिल्कुल लाइट गोल्डन है, बस इस कंडीशन में मैं इसके निकाल लूँगी। इसी तरह मैं सादे तल के निकाल लूँगी। तो नगेट्स बनाने की जो टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपका नगेट्स बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल मैकडोनल्ड की तरह बनेगा। आप खाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि ये मैकडोनल्ड का ही नगेट्स खा रहे हैं। बस हमें इसे निकाल लेना है। देखिए किस तरह हमारे नगेट्स फूल गए। मैं इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाऊंगी, क्योंकि मैं इसे 2 दफ़ा में तलूंगी। पहली दफ़ा में मैं 2 से 3 मिनट तलूंगी, उसके बाद मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिर आधे घंटे के बाद मैं दोबारा से इसको फ्राई करूंगी। अभी मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट ही इसे तलूंगी ताकि ये हमारा अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें हमारे किस फूले हुए बने हुए सारे। ये सारे नगेट्स को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करके निकाल लिया है। अब इसे आप ठंडा होने दें। ये ठंडा हो जाएगा तो इसे दोबारा से फ्राई करेंगे। आप इस कंडीशन पे जितने आपको फ्राई करने हैं वो कर लें, बाकी को ठंडा होने के बाद आप इसको फ्रीज़ कर दें। ये बिल्कुल मैकडोनल्ड की तरह नगेट्स बने हैं आपके। इसे आप खाएंगे तो आपको महसूस नहीं होगा कि आप मैकडोनल्ड का खा रहे हैं या आप अपने घर का बना हुआ खा रहे हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने इसको ठंडा होने के लिए रखा है। अभी इनमें से मैं 4 नगेट्स आपको दोबारा से फ्राई करके बताऊंगी कि किस तरह का बना है, इसका टेक्सचर कैसा आया है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो मैं इन्हें फ्रीज़ कर दूंगी। ये नगेट्स हमारे ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें दोबारा से हम फ्राई कर रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे।
इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक बनाना है। ये नगेट्स हमारे फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। ये हमारी नगेट्स फ्राई हो गए, इसको देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। ये बहुत गर्म हो रहा है, ये देखिए बिल्कुल जूसी हुई है, और इसका टेक्सचर देखिए आप फ्रोज़न नगेट्स खरीद कर आते हैं तो उसका कलर बिल्कुल इसी तरह का होता है, लाइट गोल्डन। ये बिल्कुल इसी तरह से करके वो लोग फ्रीज करते हैं, इसे मैं फ्रीज कर दूंगी। ये देखिए कितना जूसी है बिल्कुल, और खाने में भी बहुत मज़ेदार है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।